हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लाइफ विद ट्विंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, एनिटी सुबह सो के उठ चुकी थी और दोनों लोगों की मालिश भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों लोग खेल रही हैं और यहाँ पर अनाया नीति का ब्रेकफास्ट चल रहा है। नीति, क्या खा रही हो? अनाया, नानी क्या खिला रही? लो, खुद ही खाएंगे पराठा। इतना सारा मुंह में, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लाइफ विद ट्विंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोनों बच्चे आए हैं अपनी नानी नाना के यहाँ। तो अभी शूट करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बच्चों को संभालना पड़ता है। तो इधर देखिए, अरे ये क्या कर रही हो किचन में? ये क्या हो रहा है अनाया? तुम चोरी करके गड़बड़ करके भाग रही हो, और नीति, अरे बाप रे, तुम भी भाग रही हो। और ये सब मिटे हो तुम, ये तुमने फैलाया फैलाया, नानी डांटेंगे आके। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे लोगों का नहाने का टाइम हो रहा है, मैं पहले नहा ली थी और अभी इन दोनों को हम लोग नहलाने वाले हैं। चलो इसकी कपड़े उठाओ हमें। ये देखो नीति को, देखो नीति, कैसे जा रही हो? ऐसे जाना है? अभी मम्मा ले चलेगी, लग जाएगी, लग जाएगी। कमरा पकड़, ये भाई लो, चलो बस हो गया। हाँ तोड़ दो, सब तोड़ दो, डर जाओ। और नीति अभी वेटिंग पे है, अनाया भी नहा रही है ना, तो नीति वेट कर रही है। नीति नहाना है, तुम्हारा नंबर कब आएगा? कब आएगा नंबर? अनाया हनी हो गई। और उधर नीति नहा रही था। अनाया, अनाया इधर देख रही हो, गेट की साइड इधर देखना। तो चलो अभी लोगों को कपड़े पहना देते हैं, है ना? कपड़े पहनेगा बिच्चू। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। तो फिर नीति तो आराम से खेल रही थी, और बाहर जो क्योंकि बच्चे लोग नहाए थे ना, तो पानी फैला हुआ था, तो मम्मी बस वाइपर से वही साफ कर रही थी। और फिर उसके बाद दोनों बच्चे सो गए थे। जब वो लोग सोकर उठे तो देखिए उनसे कौन मिलने आया, तानिया, मेरे सामने भाभी रहती हैं, उनकी बेटी मिलने आई थी। तो देखिए बस वही वो खा रही थी ना, तो अनाया देखिए उसको भी बहुत पसंद है केक, वो खा रही थी। नीति को भी, नीति भी जा रही थी उसके पास केक खाने के लिए, पर नीति का रिएक्शन देखिए, उसको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन दिया। तो बस दोनों बच्चे तानिया के साथ खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी की क्यारी देखने। क्या लगाया हुआ है? ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। और फिर ये देखिए, नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे, मेरी मामी के यहाँ मिलने के लिए, नाना जी से भी मिलना था। तो हम लोग बस बच्चे वही तैयार बैठे हुए थे और हम लोग भी अभी तैयारी हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं मामी के यहाँ। तो घर से थोड़ा पास में रहती है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी मुझे ही ड्राइव करनी थी। तो मैंने दोनों बच्चों को मम्मी को पकड़ा दिया। बच्चे ऐसे आराम से बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं देते, वैसे भी उनको घूमना पसंद है, तो घर से बाहर निकलने पे वो शांति रहते हैं। फिर हम लोग गए मामी के यहाँ।
और हम लोग पहुंच जाते हैं मामी के घर। तो गेट क्योंकि खुला हुआ था तो हम लोग सीधा अंदर ही चले गए। ये देखिए, मैं बोल रही थी मम्मी से, मम्मी नॉक तो कर लो, मम्मी ने कहा नहीं गेट खुला हुआ, चलो अंदर ही चलते हैं सीधा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और ये देखिए, फिर दोनों बच्चे मिलते हैं नानी से, मतलब बच्चों की तो वो नानी ही लगी मेरी मामी। तो बस तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता आ गया है और ये दोनों चाय जो है वो मामी की और मम्मी की है, बिना चीनी वाली, और ये मेरी चाय है। अपनी चाय बनाया, बिस्किट खा रही हो। नीति सो गई, तुम नहीं सोई, नाश्ता करके सोगी क्या? और ये देखिए, तभी हम लोगों की आवाज़ सुनकर नाना जी आते हैं। तो हम लोग स्पेशली नाना जी से ही मिलने के लिए आए थे। नाना जी की जो एज है वो अभी 82 ईयर्स है, तो वो हमको थोड़ा थोड़ा पहचान रहे थे, मतलब थोड़ी सी नाना जी की भी याददाश्त यू नो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो ज़्यादा याद उनको नहीं रहता है, तो लेकिन वो हमको पहचान गए थे। नीति नीति कहाँ आई हो? नीति की नानी लगी ना चार। हाँ ये तो है, सामने रहते तो याद रहते हैं। है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मामी के पास कितने प्रकार के अचार हैं। ये वाला कटहल का अचार ना, ये वाला कटहल का है, ये मिर्च का है क्या? हाँ मिर्च का। ये आम का, ये कटहल का थोड़ा, ये लिक्विड वाला है ना, ये नींबू का ना। बाबे, और गाइस ये देखिए हींग का अचार। तो यहाँ पर चल रही है लंच की तैयारी। तो मामी जो है वो लंच की प्रिपरेशन वगैरह कर रही है, मतलब उन्होंने हमारे लिए डोसा बनाया था तो उसी की तैयारी कर रही है, और मैं बस अचार वगैरह ले रही थी, थोड़ा थोड़ा सारा अचार। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मामी की थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि वो सुबह से तो लगी थी अपने कामों में, फिर लंच हमारे लिए प्रिपेयर किया। तो हम लोग लंच में खा रहे हैं डोसा, सांभर, रायता, चटनी। मामी के छोटे बेटे सार्थक भैया, तो फिर बच्चों को उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया था, बोला मैं तो अच्छे से खिला लेता हूँ। तो फिर ये देखिए नीति कितनी मस्ती से खेल रही है, बैठी आराम से, भैया ने बिठा दिया था यहाँ पे। बस बस बस, हाँ और यहाँ पर भैया पूछ रहे थे कि अभी कितने मंथ्स की हुई हैं, तो मम्मी ने बताया 9 महीने की हुई हैं। तो भैया बोले अच्छा, तो अभी तो ये रोना शुरू करेंगे। नीति 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 बाय कर लो, बाय कर लो, देखो देखो देखो, नानी को बाय कर लो, देखो देखो देखो। तो अभी हम लोग मामी के घर से आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घर के अंदर। चलो तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमारे ट्विन बेबीज़ के व्लॉग्स देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।